तो फाइनली करण का नया गाने का पोस्टर आ चुका है एंड फाइनली करण ने भी गीत MP3 छोड़ दिया। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बाकी गाने के सभी अपडेट के बारे में आपको बताते हैं, सो लेट्स गो। गाने का पोस्टर कुछ इस टाइप का है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस गाने को डायरेक्ट राजन वीर फिल्म्स ने किया है एंड वहीं फीमेल वोकल्स है गुरलेज अख्तर का एंड वहीं फीमेल मॉडल है प्रतिभा चौधरी एंड जो म्यूज़िक है वो चीता म्यूज़िक ने किया है एंड ये गाना जो है स्पीड रिकॉर्ड्स में आएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गाने का लिरिक्स है वो माइकल ने लिखा है। सभी को पता है माइकल बहुत सारे गानों का लिरिक्स करण के लिखे हैं एंड इस गाने का भी लिरिक्स जो है करण रंधावा ने ही लिखा है एंड कन्फर्म है करण रंधावा ने भी गीत MP3 छोड़ दिया है, कन्फर्म्ड। बाकी मेरे को गाने का पोस्टर देख के ऐसा फील आ रहा है कि गाना अच्छा होने वाला है एंड ये जो गाना है वो स्पीड रिकॉर्ड्स में ही रिलीज़ किया जाएगा। जहाँ पे गुरी का नया गाना रिलीज़ हुआ है वहाँ पे करण का भी गाना आएगा। बाकी एक नोटिस किया होगा जहाँ पे कोलैबोरेशन जो है करण के इस गाने में अच्छे से किया गया है, जहाँ पे म्यूज़िक A1, वीडियो डायरेक्टर A1 एंड जो फीमेल वोकल्स है वो भी नंबर 1 है एंड बेसिकली कहीं ना कहीं इस गाने को अच्छा से बनाने की ट्राई किया गया है। हो सकता है ये जो है एक डिफरेंट गाना हो, जैसे कि गुरी का गाना आपने देखा होगा एक डिफरेंट वाइब था, वैसा ही करण का भी गाने में एक डिफरेंट वाइब होगा। जहाँ पे गीत MP3 के साथ वो कुछ अलग म्यूज़िक पे काम करते थे एंड अभी कुछ अलग म्यूज़िक पे काम करेगा। कमेंट्स कर देना कि भाई आपको ये गाने का जो पोस्टर है वो कैसा लगा एंड आपको क्या एक्सपेक्टेड है करण रंधावा के साथ, क्या करण रंधावा किसी और लेवल पे साइन होगा या नहीं। कमेंट कर देना। फॉर मोर अपडेट चैनल सब्सक्राइब।